आज भीम और सारे बच्चे जंगल में खेल रहे थे, तभी भीम जाकर आम तोड़ कर ले आता है और जग्गू पेड़ पर चढ़कर केले तोड़ कर ले आता है। तभी राजू बोलता है, काश मैं भी भीम और जग्गू की तरह होता और पेड़ पर जाकर चढ़ जाता। जब राजू और चुटकी आपस में बात कर रहे थे, तभी पेड़ नीचे से निकलकर ऊपर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं इच्छा पूरी करने वाला आम का पेड़ हूं। जो भी मेरा आम खाकर अपनी इच्छा मांगेगा वो इच्छा पूरी हो जाएगी। राजू आम खाकर सबसे तेज दौड़ने की इच्छा मांगता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। और जग्गू अपनी उड़ने की इच्छा मांगता है और वो उड़ने लग जाता है। तभी कालिया सबसे ताकतवर बनने की इच्छा मांगता है और सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और थोड़ी ही देर में सारे गाँव के लोग उसके आम खाकर अपनी इच्छा मांग लेते हैं और आपस लड़ने लग जाते हैं। भीम ये सब देखकर बहुत परेशान होता है और वो समझ जाता है कि ये हो ना हो काली चुड़ैल की ही साजिश है। इतने में काली चुड़ैल ही आ जाती है और बताती है कि वो पेड़ मैंने ही लगाया और भीम को बोलती है कि अब ढोकल पूरा मेरा ही राज होगा। उधर राजा जैसे ही आम खाने वाला था, उधर भीम पहुंच जाता है और काली चुड़ैल भी पहुंच जाती है और सारे लोगों को बंदी बना लेती है और महल में आग लगा देती है और राजा को जेल में बंद कर देती है। बाद में भीम ने सारे बच्चों को और राज्य को कैसे बचाया ये जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाद में भीम बड़ी चालाकी से उसके उड़ने वाले झाड़ू पर बैठ जाता है और उसको ही उल्टा जेल में फंसा देता है और राजा को बाहर निकाल लेता है।